अब बीजेपी वाले भी हुए लालू की बेटी के फैन। दिन रात सोते जागते रोहिणी आचार्य की तारीफ में जुटे। रोहिणी आचार्य बनेंगी बिहार की सीएम, बीजेपी देगी समर्थन। लाडली बेटी ने जान पर खेलकर बचाई लालू की जान, तो लोगों ने कहा साक्षात देवी का स्वरूप। पिता लालू की तकलीफ रोहिणी देख नहीं पाए और अपना हां संग निकाल कर पापा को लगवा दिया। रोहिणी के इस खत्म के बाद विरोधी भी उनका गुणगान करने लगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बीते रोज सिंगापुर में सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट कर एक नया जीवन दिया है। 42 साल की रोहिणी के साहसिक खदम की चर्चा हर तरफ हो रही है। पूरा सोशल मीडिया रोहिणी आचार्य के इस फैसले को लेकर उनकी तारीफ कर रहा है। इस लिस्ट में अब विपक्षी पार्टी के नेता भी शामिल हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू से लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह तक हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। कभी रोहिणी पर तीखी टिप्पणी करने वाली मांझी की बहू दीपा मांझी आज उनके इस फैसले की कायल हो गईं। दीपा मांझी ने ट्वीट कर लिखा, बहन रोहिणी, आज मैं प्रण लेती हूं कि तुम्हारे पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। आज तुमने भारत की बेटियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, इसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बस इतना ही कहूंगी, जल्द स्वस्थ हो जाओ वीर सूरमा, आप अस्पताल के बेड पर अच्छे नहीं लगते। तो अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी रोहिणी की जमकर तारीफ की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, रोहिणी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। गिरिराज सिंह ने लिखा कि रोहिणी आचार्य आदर्श बेटी हैं, मुझे आप पर गर्व है, आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। उधर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे यूं तो अपने विरोधियों पर जमकर बरसते हैं, लेकिन वो भी लालू यादव की बेटी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार्य को देखकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। कर्नाटक में बीजेपी की नेता प्रीति गांधी ने भी रोहिणी की खूब तारीफ की है। उन्होंने लिखा, राजनीतिक विरोध एक तरफ, लेकिन ये दिल को छू लेने वाली बात है। अपने पिता को किडनी देकर खुश रोहिणी पर गर्व है, ईश्वर दोनों को जल्द स्वास्थ्य लाभ दे। विरोधियों के साथ साथ समर्थक भी रोहिणी की तारीफ करते नहीं थक रहे। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी रोहिणी की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा, त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है बेटियां। माँ पिता का हर परिस्थिति में साथ निभाने का साहस रखती हैं बेटियां। इधर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने भी रोहिणी की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बहन रोहिणी, जो आपने किया उससे हर पिता आज गर्व महसूस कर रहा होगा। बेटी होना सौभाग्य की बात होती है, आज फिर से पूरी दुनिया इस बात की साक्षी बनी। आदरणीय लालू यादव जी और बहन रोहिणी जी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उधर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से लालू का पहला मैसेज आया है। बेटी मीसा भारती ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इसमें लालू बोल रहे हैं कि अच्छा फील कर रहा हूं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आईसीयू से लालू यादव ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूं। धीमी आवाज में लालू ने लोगों की दुआओं के लिए अभिवादन किया। आपको खबर हो कि सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में बीते रोज लालू यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। बेटी रोहिणी ने लालू यादव को किडनी डोनेट की है। संकट की इस घड़ी में पूरा परिवार साथ नजर आया। सिंगापुर में राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी लालू रोहिणी के साथ खड़े रहे। फिलहाल लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य के इस फैसले की चर्चा हर तरफ है। तगड़े विरोधी भी अब उनकी दिन रात तारीफ कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं रोहिणी के इस कदम को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही तमाम अनफिल्टर्ड अपडेट्स के लिए द न्यूज़ लॉन्चर को सपोर्ट करते रहें।